तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 7, हाउ टू लर्न वेंट्रिलोक्विज्म। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दो चीजों के ऊपर। एक है पपेट को कैसे हैंडल करते हैं और दूसरी चीज है कि कॉमेडी कंटेंट कैसे लिखते हैं। क्योंकि कॉमेडी कंटेंट, पहले हम कॉमेडी के ऊपर बात करते हैं, फिर पपेट्स के बारे में बात करता हूँ। कॉमेडी कंटेंट लिखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ेगा और उसी तरह से कॉमेडी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो प्लीज अपना लिखना जो होता है कॉमेडी वाला, वो जरूर लिखते रहिए और स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उनको ऑब्जर्व करते रहिए, उनको देखते रहिए, कॉमेडी एक्ट देते रहिए, जिससे आपका ह्यूमर कॉमेडी बनता जाएगा। और दो लोगों का जो कन्वर्सेशन होता है, जिसमें होता है एक लाइन और दूसरी होती है पंच लाइन, तो जो पंच लाइन होती है जो आप पपेट से करवा सकते हो, या फिर अपने लिए पंच लाइन रख सकते हो, उसके लिए लाइन रख सकते हो। तो जैसे आप कोऑर्डिनेट करते रहोगे तो वो आपको ध्यान रहेगा कि मैंने लिखा क्या था और मैं जब प्रेजेंट करने जा रहा हूं तो वो प्रेजेंट कैसे हो रहा है। लिखते हैं जब, तो लिखने के बाद जो हम प्रेजेंट करते हैं उसके टाइम आप थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हो, क्योंकि जब प्रेजेंट होते हो तो मुंह से ठीक से जो लिखा हुआ होता है वो याद रहता है और वो आपको परफेक्टली प्रेजेंट होता है। तो गाइज, आपको उसी तरह से आपको प्रेजेंट होना जिस तरह आपने लिखा हुआ है। तो कॉमेडी कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दीजिए वेंट्रोलोक्विज्म कर रहे हो तो। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी कॉमेडी कंटेंट लिखोगे तो ध्यान में रखना कि ऐसे कैरेक्टर्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, लाइक आप कृष्णा एंड सुदेश को देख लो, शकील और भारती जी को देख लो, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो दो लोग आपस में जब कन्वर्सेशन करते हैं तो कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो वो कन्वर्सेशन कैसे होता है, वो ज्यादा खींचा नहीं होता, बट जब एक बंदा लाइन कहता है तो उसके साथ पंच लाइन भी आ जाती है, तो उससे वो कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो उसके ऊपर आप अगर ध्यान दोगे तो आपका और पपेट का एक अच्छा खासा रिश्ता बन जाएगा और पपेट के साथ उतनी अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाओगे। तो चलो, हम अभी ये कॉमेडी कंटेंट तो आपको लिखना ही है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉमेडी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप जिस तरह से आप कॉमेडी करते हो, जैसे आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो, उसी के साथ मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन से वेंट्रिलोक्विस्ट जो कॉमेडी है उनको आपको फॉलो करना है। तो ठीक है, पहले आप स्टैंड अप कॉमेडियंस को फॉलो करो, स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर थोड़ा सा बात करना, उसको देखना, उसके वीडियोस देखना, उसको ऑब्जर्वेशंस करना कि कैसे इन्होंने जोक्स किए, क्रिएट किए, कैसे जोक के ऊपर काम किया हुआ है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो वो आराम से आपको हो जाएगा। तो चलो, अभी हम बात करते हैं पपेट्स के ऊपर। तो मेरे एक कैरेक्टर है, हाय हेलो। सो गाइस, ये मेरा कैरेक्टर है और इसका नाम बनी है, और मैंने इसको इस तरह तैयार किया हुआ है कि ये एक टपोरी टाइप कैरेक्टर है जिसके ऊपर मैंने सर्च किया हुआ। कैरेक्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट मैंने आप एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि इसको पट्टी क्यों बांधा, क्योंकि इसके पट्टी के बांधने की वजह यह है कि ये मॉड्यूलेशन है कैरेक्टर के ऊपर, कि ये जब है तो ये छपरी है, थोड़ा सा टपोरी टाइप है, कि ये थोड़ी बेइज्जती करते रहता है हमारी थोड़ी सी और बातें थोड़ी अतरंगी कर लेता है। तो उसके लिए ये थोड़ा, ये देखो इसके बाल थोड़े ना बिखरे हुए, बहुत बकवास लगते हैं। तो ये कैरेक्टराइजेशन के का जो पार्ट है, वेट सॉरी, क्योंकि और बहुत सारे पपेट्स होते हैं, बट मैंने लड़की चुन सकता था, मैं कोई मॉन्स्टर चुन सकता था, बट लड़का क्यों चुना, क्योंकि पहले से मेरे दिमाग में था कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, एक लड़का होना चाहिए जिसके ऊपर मैं काम कर पाऊँ और वो और मैं, हम दोनों मिलकर कॉमेडी क्रिएट करेंगे। तो ये कैरेक्टर जो है ये छपरी कैरेक्टर, तो जब पपेट को हैंडल करते हो तो इस तरह पकड़ना है, लाइक इस तरह, ये चार उंगलियां ऊपर और नीचे एक अंगूठा होना चाहिए आपका, और उसी के साथ ये बात करेगा। जब हम लोग प्रैक्टिस करते तो इसी तरह प्रैक्टिस करते, लाइक ए गी सी डी ई एफ आई जे के एल एम एन ओ टी क्यू आर, हम इस तरह बात करते हैं। ये जो फास्ट वाला सेशन है ना, वो आपको बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप बात करोगे पपेट के साथ या विदाउट पपेट, जैसे आप हाथ रखो ऐसे और ऐसे ऐसे बात करो, हेलो 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 हेलो, उस तरह से आप आराम से बात करो। पहले एक वर्ड ले लो, लाइक 1 2 3 ले लो, 1 2 3 बहुत इजी होता है। कोई भी अगर आपको अगर लेसन हो, कोई टाइप का भी लेसन हो, आपको 1 2 3 हर टाइम आपको वो हेल्प करता ही है, लाइक 1 2 3 4। और आप आईने में देखना प्लीज, आईने में देख के ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि आईने में जब देखोगे आप अपने आप को तो आपको याद आएगा, हर टाइम ये रिमाइंडर डालते रहेगा कि मेरे जो माउथ है वो हिल नहीं रहा है। सो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो सामने देख के, लाइक ए बी सी डी ई एफ आई जे के एल एन एन, ओके। तो इस तरह आपको बात करनी है, स्पष्ट जो हमारे उच्चार होते हैं वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए, एकदम स्पष्ट मतलब स्पष्ट, तो
उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। लाइक आप ऐसी बात करोगे हेलो, ऐसे बात करोगे तो सामने वाले को सुनाई भी देना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है, जब भी आप पपेट को हैंडल कर रहे हो ना, आपके दिमाग में जोक्स चलने चाहिए। जोक्स आप जब आगे, वो आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे जोक्स करने हैं। तो जब लाइन लिखते वक्त भी आपको वैसे ही करना है, बट पहले इस तरह आप प्रैक्टिस कर लो तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी कि बात कैसे करनी है। जैसे और भी बहुत सारे शब्द है, एक वर्ड को रिपीट भी कर सकते हो। लाइक हेलो 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 हेलो। ओके, ये थोड़ा झटका दे रहा हूं क्योंकि ये ना जिंदा रहे। कभी कभी आप वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर्स में बताऊंगा, पहले आप इसको हैंडल करना सीखिए। लाइक मैं ऐसे ऐसे है, इसकी आंखें आप ऐसे रखोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा पपेट का, क्योंकि वो ऊपर देखते रहेगा। इसके लिए आपको आईने में देख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप ऐसे करोगे ना, इसकी आंखें देखो, ये जो हाथ है ना मेरा, ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही होना चाहिए। जिससे क्या होता है, ये जो है ना, है ये, जब आप पकड़ते हो ना तो ये आंखें होती है। जब लोग विजन देखते हैं ना, लोग कभी कभी नीचे बैठे होते हैं तो आपको ऐसे करना है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे करना है और ऐसे ऐसे से देखना है। ये देख रहे हो आप, जैसे कोई मुर्गा होता है, कोई पक्षी होता है जो ऐसे देखता है। देखो इसकी चोंच ऐसी होती है, थोड़ी नीचे होती है, जिससे वो देखने के लिए उसको आसानी होती है। समझे आपने क्या बोल रहा हूं? तो इस तरह आप उसको रखे, जिसको आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और इस तरह से आप उसको मूव करते रहो, समझे आप। चलो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो। तो ये जब ये है, उसकी गर्दन है थोड़ी सी, तो ये जब कैरेक्टर होता है तो किसी के तरफ, अगर आप इंसान हो तो ऑब्वियसली मैं बोलना चाहूंगा, इंसान कैसा होता है कि हम जब ऐसे बात करें, चलो यार हाँ नहीं ऐसे है, हाँ ठीक है, नहीं बराबर बोला रहे नहीं, बट ये बहुत था, हाँ जब हम इंसान अगर ऐसे बात करते हो, ये कैरेक्टर को जिंदा रखने के लिए आपको उसी तरह बात करना होगा। कैरेक्टर को जिंदा रखना है आपको, ठीक है। तो अगर वो ऐसे ही बैठा हुआ है तो लाइक ऐसे थोड़ा सिर हिला रहा है, लाइक ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा ये कैरेक्टर के साथ ऐसे मूवमेंट्स रखनी है थोड़ी थोड़ी सी, जिससे लोग जब सामने आपको पपेट को जब देखेंगे लोग, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये जिंदा है, ये से बार बार हिल हिल रहा है, हल्का सा हल्का सा। या फिर आप अपना हल्का सा हाथ ऐसे शेक कर सकते हो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए ना, हेलो 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 हेलो। ओके, और दो चीजें, पपेट का जब भी हैंडल करते हो तो ये सोचना कि हम क्या बात करने वाले हैं। लाइक ये अगर मुझे बोल रहा है तो इसकी मुंडी पूरी घूमेगी और मेरी तरफ देखेगी। हाँ तुझे पता है क्या? हाँ मुझे पता है। क्या पता है? अरे मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप उसके लिए बात कर रहे हो तो उसकी तरफ देखना भी सीखना चाहिए आपको। अरे यार वैसे नहीं है, बट जब इन जनरल वो जोक सुना रहे हो तो आपको सामने देखना है, उससे बात कर, अरे नहीं ऐसा नहीं करते, जो मैंने बोला था वो वाला वैसे होता है। अच्छा हाँ, तो वो हम दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है तो हम दोनों एक दूसरे के सामने देखेंगे, और जब भी हम लोगों को सुनाएंगे तो लोगों के सामने देखेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ ऐसा ही होता है। ओके, तो ऐसे ही करेंगे। हाँ ऐसे ही करेंगे। तो गाइज ये रहा आपको टिप्स है पपेट को कैसे हैंडल करना है। और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप कमेंट में लिख सकते हो कि क्या कैसे क्वेश्चंस है आपके साथ। ये पपेट्स को हैंडल करने की बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो जब भी आप किसी के सामने खड़े हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो अगर लोग ज्यादा हो तो इस तरह आपको पपेट को हैंडल कर, ये यहाँ पर देख रहा है तो आप भी देख लो, यहाँ पर, या फिर आप सामने देख रहे हो तो उसको थोड़ा सा मूवमेंट रखना, ये सबको देख के बोल रहा है, जिससे लोगों का इंटरेक्शन ये होगा कि ये यार सबकी तरफ देख रहा है यार, दैट्स ग्रेट। क्योंकि हमारी आंखों का अलग होता है, इनकी आंखों का थोड़ा अलग होता है। सो उस तरह से आपको मूवमेंट रखनी। और बातें हैं मैं जो बताना चाहता हूँ पपेट्स में, पपेट्स जब भी रिएक्ट होते हैं तो वो अलग चीज के ऊपर रिएक्ट होते हैं, रिएक्शंस अलग अलग होनी चाहिए। क्या? ओके वो अगर चिल्ला रहा है तो आप ऐसे ही खड़े हो और हाँ? और आप हिल ही नहीं रहे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, आपको उसके साथ रिएक्ट होना है। चीजें ऐसी होती है, तो वो कैरेक्टर में भी आपको और डीपली मैं समझा दूंगा कि कैरेक्टराइजेशन वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी आपको। सो उसके ऊपर ध्यान देना प्लीज, आप थोड़ा पपेट को एकदम ऐसे रिलैक्स रखना और एकदम, ये आपके सामने देख रहा है शायद से, यस ये सामने देख रहा है, और जैसे अगर मेरी ऑडियंस थोड़ी नीचे हो तो ऐसे देखेगा, थोड़ा नीचे ऐसे इस तरफ
इस तरफ ऐसे, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके तो इस तरह बात कर लेगा। सो गाइज ये वीडियो में इतना ही था। पपेट्स को कैसे हैंडल करना है वो तो मैंने आपको समझा दिया है लाइक दिस, और आप इसकी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, पपेट के और मूवमेंट्स क्या कौन से होते हैं, कि ये बस इतना इतना मूवमेंट नहीं है, इसके ऊपर और बहुत सारी चीजें हैं जो कैरेक्टराइजेशन में आपको समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज अपना जो बुक्स होते हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी जुबान एकदम स्ट्रेट रहेगी, एकदम सिंपल रहेगी, एकदम क्लीन रहेगी। तो प्लीज अपनी बुक्स जो होती है वो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, जिससे आपकी जुबान एकदम क्लीन रहेगी, और जितनी आपकी जुबान क्लीन रहेगी उसी के साथ आपकी जो पपेट के वर्ड्स है वो एकदम क्लियरली प्रोनाउंस होंगे। और लास्ट वाले लेसन जो है वो प्लीज आप डीपली उसके ऊपर काम करना, क्योंकि ये आपको बहुत ही आगे जाके हेल्प करेंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये आवाज मेरी है। हाँ ये आवाज मेरी है। थैंक यू गाइज, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और बाजू में कोई भी लिंक आ रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।